हेलो स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर? तो टॉपिक से ही आपको समझ आ रहा होगा कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें बात करनी है जो ह्यूमंस के लिए वेलफेयर का काम करते हैं या फिर ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि माइक्रोब्स क्या हैं। माइक्रोब्स क्या हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग लेंस की या फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। क्लियर? तो सबसे पहले बात आती है मेजर कंपोनेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो हैं वो आपको बता दें, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में से सबसे मेजर कंपोनेंट हैं। सबसे पहले अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अपीयर हुए वो भी माइक्रोब्स ही थे। ठीक है, और हर जगह अर्थ के हर पार्ट पे, जहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, ऐसी जगह पे भी जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर ये माइक्रोब्स मिलते हैं। जैसे स्नो की लेयर में, थर्मल वेंट्स में, जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे, स्नो में, स्नो बेड्स में, ठीक है, हर जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं और मेजर कंपोनेंट होते हैं। ऐसा नहीं है इनका नंबर बहुत कम होता है, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मिलियन बिलियंस में होता है, बट ये इतने स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं कि नेकेड आई से हमारे लिए विजिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि कहीं पे भी, जहाँ पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइफ पॉसिबल है वहाँ पर ही अपीयर होंगे। चाहे थर्मल वेंट्स हो जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है, चाहे स्नो हो, चाहे कुछ भी हो, ये वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिटी की। तो ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, पायरियन हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपको समझ जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वायरस का डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है ये। इसके बाहर ये जो है ये कैप्सिड है या फिर प्रोटीन कोट है, ये एक प्रोटीन कोट है या एक कैप्सिड है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, दैट मे बी डीएनए और आरएनए। असर्शन रीजन में एनसीईआरटी से ही ये लाइन उठ के आई थी। ठीक है, एम्स के एग्जाम में, अब तो असर्शन रीजन आपको बोर्ड एग्जाम में भी फेस करना पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ था कि जो वायरसेस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, आइदर इन फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, दोनों चीज़ें। ये लाइन बिल्कुल ट्रू है, डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, पर दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा, या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। तो बाहर एक प्रोटीन कोट है जिसे आप कैप्सिड कहते हैं, उसके अंदर आरएनए और डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है, फिर आप इसे कहते हैं प्लेट, एंड दीज आर द टेल। ये आपकी टेल होती है जिसमें एक प्लेट के ऊपर आपको लेग्स से निकले दिखाई देंगे। दिस इज योर कॉलर एंड दिस इज योर हेड, ये आपका हेड है, ये कॉलर है, ये टेल है, ये प्लेट है। इस प्लेट से लेग लाइक स्ट्रक्चर आपको राइज होते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें आप फिब्रियोन्स कहते हैं। क्लियर? अगर ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो आप इसे वायरस कहेंगे। क्लियर? अगर आपके बाहर का ये प्रोटीन कोट एब्सेंट है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो आप इसे वायरॉइड कहेंगे। क्लियर? और अगर आपका ये जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है और सिर्फ प्रोटीन कोट है और कैप्सोमियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप उन्हें पायरियन्स कहेंगे। क्लियर? सारे पैथोजेनिक होते हैं, सबसे डिजीज कॉज हो सकती है। पायरियन इतना छोटा एक प्रोटीन का पार्टिकल है, आप ऐसे अगर कि पी फॉर पायरियन, पी फॉर प्रोटीन्स, ठीक है, उससे भी हम डिजीज कॉज करते हैं और बहुत सीवियर डिजीज कॉज हो जाते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कॉलोनीज की। कॉलोनीज क्या होता है बेटा? जैसे ही इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर मीडियम मिलता है, कल्चर मीडियम इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कल्चर मीडियम। अगर आपने कहीं कल्चर मीडियम रखा है तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आकर ग्रो कर जाएंगे। जैसे ही उन्हें अपने लिए फूड या न्यूट्रिशन दिखेगा, ये एकदम से रिप्रोडक्शन करके अपना नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं। ई कोलाई की बात करें तो 20 मिनट्स में ये 1 मिलियन तक हो जाते हैं, और 1 आवर में तो बहुत नंबर ऑफ मिलियन में इंक्रीज हो जाता है। अब कॉलोनीज की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप सिंगल बैक्टीरिया, वायरस या वायरॉइड को देखेंगे तो वो आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, पर ये कॉलोनीज के अंदर अपना नंबर मिलियन और बिलियन में इंक्रीज कर चुके होते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये विजिबल हो जाते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप्स। तो कॉलोनीज की क्या इम्पोर्टेंस है? कॉलोनीज की इम्पोर्टेंस है कि हमें ये विजिबल हो जाएंगे व्हेन दे विल बी प्रेजेंट इन सच ए लार्ज नंबर। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड और व्यू। आपको लिखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एंड व्यू, तो फ्रेंड का मतलब आप जानते ही हैं और व्यू का मतलब होता है एनिमी। क्लियर? तो ये कहना चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड भी हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल हैं, और हमारे लिए व्यू भी हैं, एनिमी भी हैं, क्योंकि ये डेथ कॉजिंग डिजीज भी कॉज कर देते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमंस हो। ठीक है, इनके एनिमी के नेचर में और पैथोजेनिक नेचर के बारे में हम ऑलरेडी, इससे पहले जो आपका चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उसके अंदर हम कवर कर चुके हैं। वायरल डिजीजेस भी, बैक्टीरियल डिजीजेस भी, प्लाज्मोडियम डिजीजेस भी, और नॉर्मल हेलमेंथिक डिजीजेस भी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट को या एनिमी नेचर को डिस्कस नहीं करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम उनके फ्रेंडली नेचर और यूजफुल नेचर को डिस्कस करेंगे। क्लियर? जिसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हम डेली यूज में घर में चीज़ें यूज करते हैं, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे आप जो दही बनाते हैं उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो आपके लिए लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी। आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन में ही बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फूड और वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। जैसे लेमन में सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, विनेगर बनता है शुगर से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद चीज़ बनाते हैं आप घर में, पनीर बनता है, वो भी बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो भी फर्मेंटेड फूड आप खाते हैं जैसे इडली, डोसा, ठीक है, इन ढोकला, इनके अंदर यीस्ट का यूज़ करते हैं आप फर्मेंटेशन के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो लार्ज स्केल पे जो हम इंडस्ट्री में माइक्रोबियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो दो हैं। एक तो आप अल्कोहल ड्रिंक प्रोड्यूस करते हैं लार्ज स्केल पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, और दूसरा मेडिसिंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक्स को जो मेडिसिन की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब हाउस होल्ड से आपका जो भी वेस्ट निकल रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसको हम माइक्रोब्स की हेल्प से थोड़ा कम पोल्यूटेड फॉर्म में या यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जब हम उसे वाटर बॉडी में रिलीज करें तो वो उसे खराब ना करें। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, जो ये गोबर, काऊ डंग ये रिलीज होता है, तो इसे हम बायोगैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो बायोगैस होती है ये फ्लेमेबल होती है, तो आप LPG की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बायोगैस की प्रोडक्शन गोबर की हेल्प से कैसे होगी, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, जैसे आपको पता है कि एक गैम्बोजिया फिश होती है, गैम्बोजिया फिश है विच फीड्स अपॉन द मॉस्किटो लार्वा, ठीक है। तो कहीं पे भी ऐसा स्टेगनेंट वाटर है या फिर कोई बहुत लार्ज वाटर बॉडी है जिसमें आप कोई डिसइंफेक्टेंट या केमिकल स्प्रे नहीं करना चाहते ताकि वाटर की क्वालिटी ख़राब ना हो, तो वहाँ आप गैम्बोजिया फिश को छोड़ सकते हैं। जितने भी मॉस्किटो के लार्वा होंगे ये उन पर फीड कर जाएगी और आपके वाटर को मॉस्किटो फ्री बना देगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट, किस तरीके से आप बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कि माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, तो आपको पता है कि आप बहुत सारे केमिकल और पेस्टिसाइड्स का तो यूज़ कर ही रहे हैं फील्ड में, पर आप ऑर्गेनिक चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम ऐसे चीज़ें जो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ करें उसे हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप खुद एनसीईआरटी से चाहें तो रीड कर सकते हैं। थैंक यू।